हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग एक डिस्कशन होगा ऑन द मूवी सेमखोर, डायरेक्टेड बाय आइमी बरुआ। ये मूवी को लेके अभी प्रेजेंटली बहुत सारा कंट्रोवर्सीज चल रहा है और बहुत लोग ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया है कि इसके बारे में कुछ बोलने के लिए। डिमासा जो कल्चर है उसके ऊपर में बेस्ड है ये मूवी, इसके लिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है। और इनफैक्ट मेरा जो फैमिली है, मेरा पिताजी का साइड का फैमिली, हम लोग एक्चुअली सेमसासी है। तो डिमासा में हम लोग बोलता है कि सेमसा बोजम, तो हम भी एक्चुअली सेमसा का आखिब बोजम से आने वाला आदमी है। तो इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है। लेकिन बात है कि ये जो सेमखोर मूवी है ये हम लोग ने देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है, रूही ने भी नहीं देखा है। एंड मोस्ट पीपल, मैक्सिमम पीपल ऑफ डिमा हासाओ एंड मैक्सिमम ऑफ डिमासास हैव नॉट सीन दिस मूवी। इनफैक्ट मैंने सुना है कोई कोई एक्टर्स लोग जो ये मूवी में एक्टिंग किया, डिमा हासाओ का लोकल एक्टर्स लोग, उन लोग ने भी पूरा मूवी नहीं देखा है। लेकिन ये मूवी 2021 को रिलीज हुआ था और अभी तक बहुत सारा फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड इसका स्क्रीनिंग हुआ है। तो वही व्हेन वी गूगल द मूवी सेमखोर, इंटरनेट में वही दिखाता है कि 2021 में रिलीज हुआ है। एंड द फिल्म डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अ विलेज लेडी, अ मदर ऑफ 14 चिल्ड्रन, डायरेक्टेड बाय एमी बरुआ, रिटन बाय शशांका समीर, प्रोड्यूस्ड बाय एमी बरुआ, माला बरुआ, स्टारिंग एमी बरुआ, सिनेमाटोग्राफी प्रदीप डायमारी, एडिटेड बाय रानू छेतिया, रिलीज डेट 2021, रनिंग टाइम 93 मिनट्स, बट इंटरनेट में अलग भी दिखाता है, 1 आवर 33 मिनट्स भी दिखाता है। सो आज हम लोग जो मोस्टली हम लोग जो बात करने वाले हैं विल बी ऑन द इश्यू ऑफ नंबर वन, कल्चरल अप्रोप्रिएशन। ये जो कल्चरल अप्रोप्रिएशन है एंड एस्पेशली इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ का जो कल्चरल अप्रोप्रिएशन होता है बाय अदर मेजोरिटी एंड बाय अदर मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी इन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड हम लोग इतना अवेयर नहीं है अबाउट कल्चरल अप्रोप्रिएशन। इसलिए हम लोग सोच रहा है कि इसके बारे में बात करना इट्स हाई टाइम अभी, क्योंकि हम लोग को जानना है, स्पेशली इंडिजिनियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को हम लोग को अवेयर कराना है कि व्हाट इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन। सो व्हाट इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन? सो कल्चरल अप्रोप्रिएशन इन बेसिक टर्म्स ये है कि यू टेक विदाउट परमिशन। कल्चरल अप्रोप्रिएशन ऑल्सो हैपन्स जैसे कि वैन यू टेक अनदर, यू स्टील अदर कल्चरल एलिमेंट्स, जैसे कि उनका कपड़ा, उनका ड्रेस और प्रैक्टिसेस और इमेजरी। इन सिंपल टर्म्स में वही होता है कि यू टेक फ्रॉम समबडी एल्सस कल्चर एंड पोर्ट्रे इट इन अ डिफरेंट मैनर, सो दैट इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन। जो इस मूवी में, मूवी जो हमने नहीं देखा है बट वी हैव लिसेंड टू द इंटरव्यू ऑफ द डायरेक्टर ऑन मेजर प्लेटफॉर्म्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो सुन के वी आई फाउंड इट वेरी डिस्टर्बिंग, आई फाउंड इट टोटली रॉन्ग। सी, उसमें हम थोड़ा स्ट्रेस करना चाहता है बिकॉज आइमी बरुआ ने बोला है कि परमिशन लेके शूट किया है, एंड ऑब्वियसली परमिशन लेके शूट किया है। इनफैक्ट हम लोग का जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसका जो CEM है वो लोग भी प्रेजेंट था, वो लोग ने होस्ट भी किया है आइमी बरुआ और उसको टीम को। True. तो कल अगर पूछेगा तो बोलेगा कि नहीं, हम लोग ने कल्चरल अप्रोप्रिएशन नहीं किया है बिकॉज हम लोग ने परमिशन लेके किया है। सो आई वॉन्ट टू स्ट्रेस, तुम जो पॉइंट बोला उसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहता है कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन सिर्फ परमिशन लेने से, ठीक है आपने कल्चरल अप्रोप्रिएशन नहीं किया ये बात नहीं है, बिकॉज कल्चरल अप्रोप्रिएशन का और एक डेफिनेशन भी होता है कि व्हेन यू टेक समथिंग, व्हेन मेंबर्स ऑफ ए मेजॉरिटी ग्रुप अडॉप्ट, मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी अडॉप्ट या अडॉप्ट कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ ए माइनॉरिटी ग्रुप इन एन एक्सप्लोइटेटिव, डिसरेस्पेक्टफुल और स्टीरियोटिपिकल वे। वही बात है ना, तो डिमासा कल्चर को अगर
कोई रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आईमी बरुआ ने आईमी बरुआ ने बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिमासा कल्चर को ही उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अभी हम आप लोग को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी थोड़ा दिखाएगा आप लोग के साथ में, उसने क्या क्या बोला है इन पब्लिक प्लेसेस, वो भी हम लोग दिखाएगा। तो मैं फिर से लेकिन रिपीट करता हूँ, जब कोई मेंबर ऑफ ए मेजोरिटी ग्रुप एडॉप्ट करता है कल्चरल एलिमेंट्स, वो एक मूवी के लिए हो, नहीं तो बिना मूवी भी कुछ, जैसे कि व्हेन यू यूज देयर ट्रेडिशनल हैंडलूम, नहीं तो देयर लैंग्वेज और यू नो एनी सिंबल्स ऑफ देयर कल्चर, तो उसमें अगर एक्सप्लॉयटेटिव वे में, डिसरेस्पेक्टफुल वे में और स्टीरियोटिपिकल वे में अगर करता है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल अप्रोप्रिएशन। बिकॉज कल्चर बहुत वास्ट होता है, यू नो डिमासा कल्चर में, सेमखोर में जो डिमासा कल्चर है वो वास्ट है, यू नो मतलब एक एंगल, एक लेंस से हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन सपोज जब एक डिमासा आदमी खुद जब अपना कल्चर के बारे में एक एस्पेक्ट, वन पार्ट ऑफ देयर वास्ट कल्चर के बारे में बात करता है, देन देयर इज फाइन, बिकॉज वो खुद डिमासा है तो अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब एक मेजोरिटी ट्राइब से जब एक रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटी ट्राइब को और उसको कल्चर को कुछ भी चीज़ में वो रिप्रेजेंट करने का ट्राई करता है, सो दैट पर्सन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि तुम कौन सा पार्ट ऑफ देयर कल्चर को तुम एक्सपोज कर रहा है, बात कर रहा है, उसके बारे में आप मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर उसमें डिसरेस्पेक्टफुल अगर हो जाएगा, अगर उसमें स्टीरियोटिपिकल वे हो जाएगा, अभी हम जैसे कि बोलेगा जो शेमखोर मूवी में ट्रेलर के थ्रू से भी हम लोग मालूम हो गया, एंड प्लस स्टोरी लाइन भी अभी तो वो पब्लिक ही हो गया, मोस्ट ऑफ इस स्टोरी लाइन प्लॉट लाइन तो अभी क्लियर हो गया है, खुद आईमी बरुआ ने मेनी ऑफ द स्टोरी लाइन और प्लस डिमासा कल्चर के बारे में, शेमखोर का कल्चर के बारे में बहुत सारा जगह में पब्लिकली बोला है, तो उसमें एक स्टीरियोटिपिकल वे में प्रेजेंट किया है। हाँ। जैसे कि मतलब ये लोग अभी भी बहुत सिंपल बैकवर्ड वे में रहते हैं, वो लोग को ऐसा ही लाइफ चाहिए, दे डोंट वांट डेवलपमेंट एट ऑल, सो ये सब चीज है जो एक मतलब डिसरेस्पेक्टफुल है और स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन है, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर वो शायद एक आदमी को मिला होगा, वो बोला होगा कि हाँ ऐसा है, बट दिस इसको बोलता है ब्लैंकेट स्टेटमेंट। तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया विदाउट डूइंग फुल रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च, और मतलब ब्लैंकेट जो बोलता है ना हम लोग चादर, मतलब सबको ऊपर में भी चादर लगा दिया, ऐसा होता है। और इसको भी बोलता है स्पेशली मूवीज में जब ऐसा पोर्ट्रेयल होता है ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज स्पेशली, तो इसको वाइट वॉशिंग भी बोलता है। हॉलीवुड में बहुत सारा वाइट वॉशिंग होता है, यू नो बहुत होता है, डिज्नी में भी होता है, हॉलीवुड मूवीज में बहुत ज्यादा ही होता है। जैसे कि कुछ कुछ रोल्स डायरेक्टर अगर लिखता है फॉर एशियन पीपल, बट लीड रोल विल बी प्लेड बाय अ वाइट गाय, सो दैट इज वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, ट्रू। सो जो एमी बरुआ ने इस मूवी में किया है, व्हाट विल बी कॉल इट, सी फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, बिकॉज़ हम लोग को यहाँ में जैसे कि बॉलीवुड हम लोग को ये सब टर्म्स अभी तक नहीं निकाला, बिकॉज हम लोग अभी भी इतना सोशली कॉन्शियस नहीं है ये सब चीज़ के बारे में, हम लोग इतना बात नहीं करता है। लेकिन एक एग्जांपल हम देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ बॉलीवुड के बारे में, जब बॉलीवुड ने जैसे कि मैरी कॉम का रोल में प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया था, अगर ये हॉलीवुड मूवी करता रहा इन देयर प्लेस, तो इंडिजिनियस कम्युनिटीज लोग शायद बोलता रहा दिस इज व्हाइट वॉशिंग, बिकॉज आई एम श्योर कोई व्हाइट आदमी पोर्ट्रे करता रहा कोई इंडिजिनियस आदमी को, तो हम लोग को यहाँ में मैरी कॉम को पोर्ट्रे कर दिया प्रियंका चोपड़ा, जैसे कि कोई मतलब मणिपुरी एक्ट्रेस है ही नहीं, मणिपुरी भी छोड़ दो, पूरा एंटायरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, छोड़ो मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शायद एबल यू नो लीड एक्ट्रेस नहीं मिला। हाँ, तो उसको बोल सकता है व्हाइट वॉशिंग, लेकिन यहाँ में तो व्हाइट प्रियंका चोपड़ा व्हाइट तो नहीं है, ब्राउन, यू कैन से ब्राउन वॉशिंग और मेन स्ट्रीम इंडिया वॉशिंग तुम बोल सकता है, वी कैन कॉल इट मेन स्ट्रीम इंडिया वॉशिंग, बट इन आवर केस, इन आईमी बरुआ एंड शेमखोर वाला केस, व्हाट वुड बी द सुटेबल टर्म, आई डोंट नो, दिस प्लेन वॉशिंग, प्लेन्स वॉशिंग, बिकॉज मेनलैंड प्लेन्स का लोग ने मतलब ट्राइबल का वो जो व्हाइट वॉशिंग कर दिया, और यू कैन कॉल इट एसएमएस वॉशिंग विद नो डिसरेस्पेक्ट टू सी, वी डोंट वांट टू डू द सेम थिंग, वी डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट एसएमएस कल्चर बाय पोर्ट्रेइंग इन स्टीरियोटिपिकल वे, मतलब ओह ऐसा है डिमासास लोग,
ऐसा है, अभी भी ऐसा ही वो लोग का सोच है. दिस इज सो मच ऑफ एक्सक्लूसिव स्टीरियोटाइपिंग. तो चलो लेट अस, हम लोग ने बहुत ऑलरेडी शेयर कर दिया, मे बी वी शुड हैव थोड़ा क्लिप्स प्ले कर देगा. हाँ, हाँ, तो बेसिकली फिर से बोल देते हैं कि ये वीडियो में बस वही होगा, वी विल रिएक्ट टू व्हाट एवर शी हैज सेड इन ऑल हर प्रेस रिलीजेस. आज के वक्त में भी वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग खुश हैं. और कैसे हैं वही जानने के लिए मैं पहली बार शैमखोल गई थी 2017 में. बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे मुझे उस जगह पे जाने को नहीं दिया. उस वहाँ सेमसार की जो लोग थे, शैमखोल जो पहाड़ है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को बोलते हैं सेमसार. अच्छा, इसमें सो आई कांट से कि उसको एक्चुअली किसी ने रोका या नहीं, उसको घुसने दिया या नहीं, शायद एक आदमी ने, दो आदमी ने, ग्रुप ऑफ पीपल, वो हमको मालूम नहीं है ऑब्वियसली, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जो हम लोग को मीन कर रहा था कि व्हाट इज ब्लैंकेट स्टेटमेंट. सो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स. बाय द वे ये जो क्लिप हम लोग प्ले कर रहा है ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इफी, इफी बोल के एक जो इंडियन पेनोरामा ओपनिंग फिल्म्स में ये शैमखोर मूवी का स्क्रीनिंग हुआ था गोवा में 2021 में नवंबर. तो उसमें ये स्टेटमेंट दिया है, तो आप समझ सकता है शी इज़ नॉट सेइंग कि ये फिक्शनल स्टोरी है, ये हुआ है शैमखोर मूवी जगह में, ऐसा हुआ है, प्रेवेलेंट है. हाँ, जब हम शूटिंग करने के लिए गया था उस टाइम में हमको बस्ती में घुसने नहीं दिया. सो ऑब्वियसली आदमी लोग सोचेगा कि बा 2017 में अभी भी शैमखोर का लोग, डिमासा लोग, मतलब बाहर का आदमी को आने नहीं देता है, विच इज कम्प्लीटली अनट्रू. लेकिन दिस इज हाउ, मतलब आप एक स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन बना देता है. आईमी बरो के साथ ऐसे हुआ या नहीं, आई डोंट नो, शायद एक आदमी रोका भी हो सकता है, यू नो इट कैन हैपन एनीवेयर. शायद हम गुवाहाटी कल चला गया, कोई आदमी हमको मिल गया, वो बोल दिया कि हम, यू नो, कोई आई डोंट नो पागल जैसा आदमी मिल गया, वो बोला कि हम तुमको घुसने नहीं देगा दिसपुर में, हम तुमको घुसने नहीं देगा खानापारा में. हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना. तो ऐसा तो जनरल नहीं बोलोगे ना, हाँ. कि गुवाहाटी का आदमी लोग हमको घुसने नहीं दिया. तो आप देखिए आज का दिन में नहीं, बहुत सालों से शैमखोर में बहुत लोग का आना जाना होता है, शैमखोर का आदमी लोग भी बाहर आता है, बाहर का आदमी लोग भी शैमखोर में जाता है. आजकल तो यूट्यूब सबके साथ में है, आप लोग देखो बहुत लोग ने जाके वहाँ व्लॉगिंग करने के लिए भी पहुँच गया है, और थोड़ा देर बाद में आप लोग को दिखाएगा. लेट अस कंटिन्यू. और जब मैं 2017 में फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहुँचा, मुझे वो पता चला कि वो लोग सच में गांव के अंदर जाने नहीं देते हैं. फिर वहाँ से वापस आया मैं, 1 ईयर मैंने वो लैंग्वेज सीखा, फिर सेवरल आवर्स मैंने उनके साथ बात की. आफ्टर इट मैंने जितने सारे फ्रेंड्स थे दिमासा में, फिर उन लोगों के साथ बात करना सीखा. तो एक साल के बाद जब मुझे दिमासा लैंग्वेज में मैं अच्छी तरह से बात कर सकती थी, तब मैं फिर से शैमखोर गया 2018 में. तब मैं उस गांव में गया, लेकिन वहां पे सबसे अजीब बात ये था कि वो लोग कोई भी बाहर का सामान यूज नहीं करते हैं, जैसे कि वहां पे खुद तो उसने बोला कि कभी बाहर के लोग से नहीं मिलते हैं. That is what she said. जब वो गया, इनफैक्ट उसको फिर से रिपीट किया कि उसको घुसने नहीं दिया और कोई भी बाहर के लोग से नहीं मिलते हैं. तो वो वापस आया उसके डिमासा फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने डिमासा ग्राउट जिमा सीखा, प्राइवेट ट्यूटर भी रखा, तो बहुत सीखा, उन्होंने बहुत कष्ट उठाया. उठाने के बाद 2018 को वो वापस गई, तो वो जब वापस गई को तो फिर उनको दिखाई दिया कि वो लोग कुछ बाहर का चीज़ कुछ यूज़ नहीं करते, वो अभी ये बोल रहे हैं. तो अभी मतलब वो बोलना चाह रही है कि 2017 में वो गई थी, उनको एंट्री नहीं मिला क्योंकि वो डिमासा लैंग्वेज उनको नहीं आता था. नहीं, वो ऐसा नहीं बोला, लैंग्वेज नहीं आता था. तो बट हाउ कुड शी बी अलाउड टू एंटर आफ्टर 1 ईयर, वो क्लियरली नहीं बोला है. हाँ, सो दैट्स व्हाट आई विल अज्यूम. हाँ, उसने अभी डिमासा सीख लिया, अभी उसको एंट्री मिल गया. हाँ, तो वही तो
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग सुन रहे हैं इसको बात हाँ, that's what they'll assume, हाँ, ना, because वो लोग तो एज्यूम करेगा कि अच्छा हमको मतलब डिमासा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा नहीं तो हमको एंट्री नहीं देगा बिकॉज देट इज हाउ दे आर ट्रू यू नो सो विच इज कम्प्लीटली फॉल्स. लोग जाते हैं वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जा सकता है शेमखोर में. And I have seen many non-Dimasa YouTubers going to Shemkhor village and making vlogs. Aram se. So this is another false statement. So or ek next. Next, this is going to be a long reaction video. Is that ki वहाँ पे आज तक कोई भी आदमी स्कूल नहीं गया. अच्छा ये स्टॉप कर देते चलो. बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि वहाँ पे सरकार की ये पूरा सुन लो. उतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार नहीं लेते हैं उसी की वजह से वो जगह डेवलप नहीं होते. अच्छा बट शेमखोर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सरकार ने स्कूल बनाया, जहाँ पे सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि हम लोग जब गए थे वो हॉस्पिटल भी टूटा हुआ था, स्कूल भी टूटा हुआ था, वहाँ पे वो लोग ने कुछ चिड़िया पाले हुए थे वहाँ पे. तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तब पता चला कि वो लोग ने खुद तोड़ा वो, क्योंकि उनको मॉडर्न ये हम लोगों का सिस्टम नहीं चाहिए. वो लोग अभी भी बोलते हैं कि हम लोग अपने आप में ओरिजिनल है, हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं, आप लोग हमें आप लोगों की दुनिया में मत लेके जाओ. तो फिर मैंने बहुत दिन कोशिश की उनसे बातें करने के लिए. फिर मैं बहुत सारे एजुकेशनिस्ट वहां पे जो हिस्टोरिक ठीक है. सो नवंबर 21st 2021 को शी इज स्टेटिंग इन अ बिग प्रेस रिलीज सेइंग दैट कोई भी आज तक स्कूल नहीं गया, विच इज टोटली फॉल्स. दिस इज ब्लेटेंट लाई इन फ्रंट ऑफ द प्रेस पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन फ्रंट, एंड शी इज लाइंग एंड शी इज टेलिंग दिस टू हरसेल्फ. क्योंकि शेमखोर में बहुत लोग ने पढ़ाई किया है, बहुत लोग ने हाँ बाहर में भी पढ़ाई कंटिन्यू किया होगा, बहुत लोग ने पढ़ाई छोड़ा भी होगा, लेकिन शेमखोर में स्कूल है, पढ़ाई भी होता है. हाँ बात अलग है कि शेमखोर में लाइक मेनी विलेजेस इन डिमाहासाओ, नॉट जस्ट डिमाहासाओ, लाइक मेनी विलेजेस इन कार्बी आंगलोंग एंड इन मेनी विलेजेस ऑफ आसाम बहुत सारा इश्यूज है एजुकेशन को लेके, जैसे कि टीचर्स का शॉर्टेज है, टीचर्स नहीं जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज है, सो टीचर्स लोग रहने मांगने से भी वो लोग का क्वार्टर नहीं है. दीज आर द इश्यूज जो गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है बहुत सालों से. एंड इसमें अगर पॉलिटिक्स में जाएगा तो मेनी पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज हैव बीन इक्वली रिस्पॉन्सिबल ये सिचुएशन आज जो है. बट ऐसा बोलना कि वो लोग कोई भी स्कूल नहीं गया और सरकार ने स्कूल बनाया, मेडिकल ये हॉस्पिटल बनाया, लेकिन लोगों को नहीं चाहिए ये सब, स्कूल नहीं चाहिए, मेडिकल वो नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है. इसमें आई थिंक आई शुड प्ले ए क्लिप. यहाँ का एक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लोकल न्यूज़ चैनल है बोराइल न्यूज़ बोल के, आप लोग भी चेक कर सकता है अगर आप लोग को ये कंफर्म करना है जो डिमाहासाओ का नहीं है, लेकिन डिमाहासाओ का लोग को तो सब मालूम है. बोराइल न्यूज़ में ये 2020 का न्यूज़ है, 15 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट वन ईयर बिफोर आईमी बोरवा मेड दिस स्टेटमेंट, उसका एक साल पहले ये न्यूज़ आइटम निकला था. विलेजर्स ऑफ शेमखोर क्राइज फॉर डॉक्टर्स टू विजिट इट्स पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये आप देखिए. However, when any villager need emergency treatment, they have to reserve a vehicle costing around ₹3,500 to reach Maibang for treatment. हम बीमार हो कोविड इधर में डॉक्टर नहीं बोल के माईबांग में देखा, हाफलोंग में लेके गया, हाफलोंग में कितना दूर है माईबांग, कितना दूर है हमारा पूछा तो बीमारी का ऑफर है, इतना कमजोरी है रास्ता. हाँ रास्ता में कारोबार हमसे मांगेगा 3,500 माईबांग शेमखोर से, 3,500 तो बीमारी को देगा ना कारी बारा देगा. हम गुरु बोला शेमखोर में आदमी तो गुरु है, अभी दुनिया वाला कोई नहीं है, इसलिए फिर माईबांग में नहीं होगा इधर नहीं सकेगा बोल के फिर आप लोग लिखे जाने से भी और भी ज़्यादा लगेगा. साढ़े तीन बोने से भी 7,000 गिरा है बारह आदमी देने की भी भूसा कम थी, लेकिन कम हो गया सेम. तो क्या सुरक्षित करके हम ये तो सेम लोग अभी रानू भी अभी इधर में डाटो जोली बिजनेस भी तो ऐसा होगा. हम के लिए हम शेमखोर का इधर में जो शेमखोर 60 बस्ती हो गया अभी इतना ठुकले भाई, हम इधर में कुछ नहीं सकता, जुबरा में कुछ नहीं सकता, लेकिन 60
फर्स्ट बूस्टी में जो गाड़ी घुसने नहीं सकता, इसलिए इधर में म्यूजिकल में रानू बनाने वाला म्यूजिकल में अभी डॉक्टर लोग देने से भी अभी देने से भी ऐसा होता रहा हम लोग भी। तो देखो थोड़ा उसका हिंदी में परेशानी हुआ है, डिफिकल्टी है because, लेकिन देखो बट यू अंडरस्टैंड, बट हिंदी बोल सकता है और बहुत लोग से तो अच्छा हिंदी भी बोल दिया होगा है ना नहीं True. और बहुत सारा चीज हम नोटिस करा वो बोलने वाला में, वो बोला कि कुछ भी मॉडर्न मतलब उन को कुछ भी नहीं चाहिए बोला था शेमकोर का आदमी। हम नोटिस करा जो आदमी इंटरव्यू दिया हाथ में घड़ी लगा के है, शर्ट पहन के है, हाथ में घड़ी लगा के है और वो क्या बोल रहा है कि हम लोग को डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर हम लोग को जल्दी भेजो। और वो रानू मैडम जो बोल रहा है, रानू लांगठासा शेमखोर का लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग का डिमा हासाओ में ऑटोनॉमस काउंसिल है, उसका अंदर 28 कॉन्स्टिट्युएंसीज है, तो शेमखोर एक कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो शेमखोर से जो इलेक्टेड लीडर है और वो 15 ईयर्स से वो इलेक्टेड लीडर है, तो उसको ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मतलब डॉक्टर भेजो, नहीं तो हम लोग शेमखोर से हम लोग को माइबंग आने लगता है, इतना दूर हाफलोंग आने लगता है, लेकिन इतना रास्ता खराब है, इसलिए शेमखोर से माइबंग 3500 लगता है और हाफलोंग आते आते तो डबल हो जाता है, 7000 जैसे लग जाता है। तो गाड़ी में इतना हम लोग खर्चा करेगा तो हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेगा, क्योंकि शेमखोर का लोग तो गरीब है। और वो बोला है कि 7 बस्ती है शेमखोर का अंदर में, यहाँ तो गाड़ी पहुँचता है लेकिन 5 बस्ती में गाड़ी नहीं पहुँचता है। सो इस वीडियो के जरिए वो इनडायरेक्टली बोल भी दिया कि बाकी 5 बस्ती का भी तो रोड एंड कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। तो आप लोग कैसे बोल सकता है, आईमी बोरुआ कैसे बोल सकता है कि मतलब शेमखोर को आदमी लोग को डेवलपमेंट नहीं चाहिए। एंड हम ये फिर से बोल रहे हैं 15 दिसंबर 2020, एक साल ऑलमोस्ट 11 मंथ्स पहले ये न्यूज़ निकल गया था, ठीक है। और एक चीज़ हम शॉर्ट में दिखा देता है, ये 20 अगस्त 2018 का वीडियो है, हिल्स लाइफ टीवी। हिल्स लाइफ टीवी और एक लोकल चैनल है डिमा हासाओ का, उसमें एक ये प्रोग्राम निकला था, न्यूज आइटम निकला था, इसका टाइटल है शेमखोर 400 इयर्स ओल्ड विलेज क्राइस फॉर डेवलपमेंट। तो ये बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेगा कोई कोई लोग को जो इंटरेस्टेड है शेमखोर का लोग का असली व्यूज, वो लोग का सच्चाई, वो लोग का एक्चुअली इच्छा क्या है, व्हाट डू दे डिजायर, मालूम होने के लिए ये वीडियो देखिए। 28 मिनट्स का वीडियो है, बहुत सारा लोग को इकट्ठा करके एक एक को इंटरव्यू लिया है, तो आप लोग देखिए। लेकिन हम शॉर्ट शायद एक स्टेटमेंट सुना देगा, प्रॉब्लम क्या क्या हो सको है। अच्छा, शेमखोर का प्रॉब्लम तो क्या बोलेगा, हम लोग तो शेमखोर तो पहले से रहने वाला है, शेमखोर पूरा मतलब क्या बोलेगा, माइबंग से भी पुराना वाला गांव है, लेकिन आज तक शेमखोर में कुछ फैसिलिटी नहीं। फैसिलिटी मतलब अभी बीजेपी 10 साल रनिंग चल रहा है, मतलब यो कर रहा है, तो उसमें भी हम लोग को शेमखोर में कि कुछ फैसिलिटी नहीं। फैसिलिटी मतलब गांव में कि मास्टर का भी हो, स्कूल का भी हो, हॉस्पिटल का भी हो या रूट का भी हो, हम लोग को कुछ देखभाल नहीं करता। गांव का आदमी लोग क्या है कि जाता है आदमी है, मतलब कोई बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने काफ़ी सारा अच्छा अच्छा लीडर चुन के भी भेजा और काफ़ी सालों से आप वहाँ पे जी रहे, तो आज का दिन में आप क्या चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर डेवलपमेंट का बात करने से। हम लोग का गांव में तो डेवलपमेंट का बारे में तो हम लोग तो रूट पास होना चाहिए और स्कूल होना चाहिए और हॉस्पिटल होना चाहिए, हम लोग को वो सबसे प्रॉब्लम आए, ये सब कुछ नहीं है। और गांव में गरीब आदमी को देखना चाहिए, इसो को कुछ सैड यू नो वेरी सैड रियलिटी जो अभी है। सो द रियलिटी इज दिस की मतलब लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, बोल रहा है शेमखोर का खुद आदमी लोग बोल रहा है, लेकिन आज शेमखोर को रिप्रेजेंट करके आईमी बोरुआ ने शेमखोर को रिप्रेजेंट कर दिया, शेमखोर को आदमी को रिप्रेजेंट कर दिया, एंड नॉट जस्ट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड गया ये मूवी को लेके और बेसिकली बोल दिया कि ये लोग देखो कुछ नहीं है, ये लोग के साथ ये लोग खुश है, लेकिन बिकॉज वो लोग को ऐसा ही चाहिए, दिस इज व्हाट दे वांट। और बाकी और आगे सुनता है उसने और क्या बोला, ये बाकी और क्या बोला वो सुन के तो और भी चौंक जाएगा। और शेमखोर मेरे उस टाइम की कुछ बात मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि पहले मैं चाहती थी कि वहाँ की कोई आर्टिस्ट को लेके मैं फिल्म शुरू करूँ, जो मेन कैरेक्टर था वहाँ का, बट वहाँ के लोग बात ही नहीं करते थे। जैसे कि दो बात बोला कैमरा, कभी मैंने कैमरा की बात बोला तो वो लोग घर के अंदर मतलब दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कैसे किया जाए। फिर
शेमखोर का आदमी को, लोकल आदमी को वो मतलब एक्टर बना के मतलब मूवी में रखेगा सोचा, लेकिन जब बात करने गया तभी वो लोग भाग के मतलब दरवाजे के अंदर में घर में छुप जाता है, बोला तो कैसे वो लोग को एक्टिंग का बारे में बात करेगा, कैमरा में कैसे मतलब वो लोग को लेके आएगा। अभी हम आपको एक तो क्लिप दिखाता है। हेलो गाइस, द वेलकम टू रजू ब्लॉग। अभी बहुत एक मंथ के बाद, एक हफ्ता का से ज़्यादा हो गया, एक मंथ हो गया, और अभी मैं गांव में आया हूँ। और अभी हम लोग का विश्वकर्मा का फेस्टिवल दिखाने वाला है आप लोग को। और अभी आज सुबह को आया मैं गांव में, भाई बम किसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्वकर्मा। आज ये है हम लोग का नूतरांग, इंग्लिश से बोलता है मोरंग। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल गया। हाँ। ये शेमखोर का लड़का है, शायद बाहर में पढ़ता है। हाँ। अभी हाँ। इसलिए वो बस्ती में आया बोला। हाँ। लेकिन फिर भी शेमखोर का है, शेमखोर का है। हाँ। क्योंकि थोड़ी देर पहले एमी बरुआ ने बोला कि आज तक भी कोई भी स्कूल नहीं गया। तो ये तो ऑलरेडी गया है, बड़ा इंसान है, ये जवान है, नौजवान है, इनके इसके हाथ में एक कैमरा है, कैमरा है, व्लॉगिंग कर रहा है, यूट्यूब में डाल रहा है, यू नो। उसके बाद और एक दिखाएगा, एक रिसेंटली मैंने एक व्लॉग देखा था और उसको हम लोग ने, उसके साथ हम लोग ने एक व्लॉग भी किया था, सूरज जॉय एक व्लॉग बनाया था। वो भी एक यूट्यूबर है, ही मेक्स वीडियोस, ही विजिट्स, ही ट्रैवल्स टू डिफरेंट प्लेसेस। सो ही हैड गॉन टू शेमखोर टू, तो उसने एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाया। आई थिंक ही हैड फ्रेंड उस टाइम। हाँ। He took somebody along, nomadic life perhaps. ये तो ये देखो सूरज जॉय का व्लॉग है। सूरज जॉय जब शेमखोर गया था, क्या हुआ वहाँ का छोटा छोटा बच्चा लोग मिल गया, तो वो लोग को कैमरा दिया और वो लोग जाके सॉल्ट वेल जो है, जो शेम डिकोर का नाम उधर से आया है, वहाँ में नेचुरल सॉल्ट वेल्स है जहाँ में सॉल्ट वाटर है। तो वो लड़का लोग को अपना गोप्रो थमा दिया वो, और ये लड़का लोग व्लॉगिंग करने लग गया, वो भी हिंदी में भी बात कर रहा है। ऑन द स्पॉट बोलते हैं आपको। हेलो, मेरा नाम मिस लाइरिंग, पानी देखने जा रहा है, साल पानी भाई लोग को भी देखने जा रहा हो, और मेरा साथ भी एक छोटा भाई है। हाँ। ये मेरा भाई है, देखो हमने अभी देखा उसी जाएंगे से तारी में, और कोई तारी में प्रॉब्लम हो गई, देखो हम लोग ले रहा है साल पानी, साल पानी रेल है देखो। देखो शमसिन मेहंदी बा, देखो बहुत मजा है, पानी बहुत सुंदर है, देखो देखो लास्ट में बोला है, हम तो डिमासा ज़्यादा जानता है, बोल के डिमासा में थोड़ा एक दो लाइन बोल दिया। सो हम ये क्यों आप लोगों को दिखाया, कितना कॉन्फिडेंटली शेमखोर का लोकल बच्चा लोग, जब व्लॉगर्स लोग आया तो वो लोग को कैमरा लेके चलो हम लोग व्लॉगिंग करके करेगा बोल के वो लोग कर रहा है। तो आप लोग देखो कि वो लोग कितना कॉन्फिडेंटली कर रहा है। दिस इज इन 23rd January 2022 दिस ईयर। सो यू नो आईमी बरुआ बोल रहा है कि जब वो लोकल के साथ एक्टिंग के लिए बात करने के लिए गया, भाग गया अपना घर में, दरवाजा बंद कर दिया। तो अगेन दिस इज ए ब्लैंकेट स्टेटमेंट। शायद एमी बरुआ, सी हमको मालूम नहीं, शायद एमी बरुआ जिस आदमी के साथ में बात किया, जिस लड़का के साथ में बात किया, वो शायद भाग गया होगा, हमको मालूम नहीं, ये हो सकता है, आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट। लेकिन इसको ही तो बोलता है कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना, कि मतलब लोगों को क्या लगेगा कि ओ अभी भी वहाँ में लोग ऐसा है, सब ऐसा है, वो तो ऐसे ही बोल रहा है ना कि अभी भी लोग ऐसा है बोल के। वेर एज सच्चाई तो आप लोग को हम दिखा दिया, और कितना दिखाएगा, और भी दिखा सकता है, बट क्यों आईमी बरुआ एक मूवी का नाम लेके डिमासा कल्चर और
चमखोर का कल्चर को दुनिया में ऐसा क्यों मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहा है, कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्यों कर रहा है? अभी सुनो, दो तीन वहाँ की लड़कियों को, मतलब वहाँ की नहीं, वहाँ की पास की जगह है मायबंग, वहाँ पे पूछा, पर वो लोगों ने भी बोला कि नहीं, हम लोग इतना नहीं कर सकते, थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि लीड कैरेक्टर मैं खुद करूँगी। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके सबको सिलेक्ट किया। वो सारे नॉन एक्टर्स हैं जिन लोगों ने कभी भी कैमरा नहीं देखा, लेकिन वो लोगों ने इतना अच्छा एक्टिंग किया, सपोर्ट किया सब। सी, okay. यहाँ में भी फिर झूठ बोला, और इसमें तो हम सोचा इसमें बोलेगा ना नहीं, क्योंकि इसमें तो जो जो मूवी में जो एक्टिंग किया हम लोग का जो लोकल एक्टर्स था डिमा हसाव को, वो लोग को भी इसको अगेंस्ट में इसको क्लेरिफाई करना चाहिए, क्योंकि आइमी बोरवा ने बोल दिया बाकी जो डिमा हसाव का एक्ट्रेस जिसने उसने जो लिया, क्योंकि शमखर का लोग तो रेडी नहीं था, इसलिए पास का टाउन जैसे कि मायबांग कहाँ कहाँ से लिया, दे आर ऑल नॉन एक्टर्स, वो लोग ने कभी कैमरा फेस नहीं किया बोला। सो दिस इज अनदर डिसीटफुल स्टेटमेंट, बिकॉज वहाँ में जो जो एक्ट्रेस ने एक्टिंग किया, प्रोनीत लांगढसा, नीलिथा और सरजीत, सरजीत, and there are so many their videos are available on YouTube, वो लोग को कितना लाख लाख व्यूज मिल रहा है वो लोग को गाना में, they are such fine actors, they are and why not take them, why not cast one of the female actress from the Dimasa fraternity for the lead role in your movie, why आप नहीं कोई एक्टर नॉन एक्टर्स है बोला ना, they are all non actors, आईमी बरुआ ने चांस दिया है वो लोग को, बोला है उसने, नॉन एक्टर जैसे कि कल्पिता केम्प्राई, तो कल्पिता केम्प्राई भी उस मूवी में था ना, उस मूवी में है, तो उसका एक इंटरव्यू दिखाता है, 2019 का ये एक इंटरव्यू है, यूट्यूब में है ये। आं एवलाइन आफाइबा अंसा निशिंग आनी इंटरेस्ट दं, आं हमसिनिंग एक्टिंग के फिल्म खाइमानी टीवी आबाइगमानी खेदा दं खाजारे ओदे आं आनसा हा क्लास 4 निशिंनिं आं रजाबाय रे बायबाय रे ओदे हे नाटक बखलाय रे बहाबो मलानिं क्लास 9 हा दं बहा संबोधन फिल्म नि जदा सिलेक्ट जाबां आ उरा खायखा बखेबो दे माइथे म टाइम नांखा बु कमप्लीट जाबा हा उरा बा आनि रोल दं खाबा बखेबो खायखा आं बुनियाना इंटरेस्ट जादाव जादाव जाखा गेजेर हलां मुसिबो स्कोप माया दादा थावलाखा नो जाखा नो जाबानियाव ना बायनि दंहि उलिनिं माइबांहानिं थमास लांथासानि फिल्म मासि हराय उराहा मदर रुल हा माइखां हिर'इन लाजा फियाखा नो जाबान खाइहि मदर रुल हां माइखाजखा बानि इन्टारेस्ट दं आं खाइहिनिं फुनुमान एक्टिं के टिभि आं लाबोमा जारखे अरे थमास लांथासानि उराहां मदर रुल हा खाइखा हरायहा आर आं इन्टारेस्ट बांद्राय बुखावलिनिं उनियावना आं वाइफ्रि फिल्म खाइबुखा अनंत बरा बिसि दंबा दीपांकर मैथ बिसि अदेहे कलेंडर दावला गुफु बिसिनि आंखे जमाखा अदे उरा मासे एक्टिंग रिखा आंखे हिर'इन नि बुमावसिरि खाइखा बुखेबो बुनि याहन नावलिनिं खाइबुखा असामिस सिरियल नि खाइ अनंत बरा नि लाइन गेदेनि आंखे जमाखा गुवाहाटीहा निं खाइमा नांमा बायदो सिरादा बुआंखे एकदम बुबिलै मानि दु क्लास फोर का उम्र से उसका ड्रामा में इंटरेस्ट है, दूरदर्शन का प्रोग्राम में भी वो रिप्रेजेंट किया था, फिर उसके बाद में भी और बोलता है, हमने दिखाया लंबा इंटरव्यू है एक सीरियल में, गुवाहाटी से भी आया था, ऑडिशन भी लिया था, सेलेक्ट भी हुआ था, बोला ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये अभी मूवी का प्लॉट लाइन का बारे में बोलेगा मूवी का। तो क्या होता है, ज्यादातर माँ के साथ बच्चे मर जाते हैं, तो ये ओल्ड सिम्सा ट्रेडिशन था कि अगर मर जाए बच्चा तो वो लोग मानते थे कि बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड मम्मी का ऐसा हुआ, तो इमीडिएट वो बच्चे को वो लोग नहीं रखते हैं, वो गाड़ देते हैं। तो मैं फिल्म की फिल्म से ये दिखाना चाहती थी कि लास्ट में ये दीरो का वाइफ जो कैरेक्टर मेरा था, वो अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके भाग जाती है, क्योंकि उसने हमेशा से देखा ये सोसाइटी में यही होता रहा है, तो उसको कुछ नया लाइफ देने के लिए वो लेके भाग जाती है। वही है स्टोरी, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है। तो ये एक्चुअली ओल्ड ट्रेडिशन है। तो ये जो उसने बोला उसके बारे में डिमासा मदर्स एसोसिएशन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, प्रेस नोट। लेट मी रीड, प्रेस नोट वाज रिलीज्ड ऑन 20th September। फॉल्स प्रोजेक्शन अबाउट द डिमासा कस्टम इन द मूवी शमखोर। Referring to the recent statements and reviews shared in
social media and other platforms about the movie Shemkhor, where the Dimasas of Shemkhor village are projected as practicing female infanticide following maternal death during delivery, which is totally untrue and factually incorrect. We the Dimasas have never had issues of such act of gender discriminations, nor have we ever seen or read in the history of the Dimasas. Fictional stories scripted for any movie should not be propagated as factual practices of the Dimasa community or any other tribal community. Such propaganda is disgraceful as published and is disgraceful and may diminish the honor of the indigenous tribe of the state of Assam. Moreover, as published in social media and other platforms about the people of Shemkhor not being welcome to developments such as education, health, good communication in their village is absolutely false. Dimasa Mother Association vehemently condemns wrong projection of the female infanticide in the movie Shemkhor, hurting the sentiments of our community just for the benefit of the few. So this is a very strong statement put out by the Dimasa Mother Association. I don't think we should stress any further. Jo bhi hai, inhone clarify kar diya hai, because I feel ki matlab ye jo movie hai usko pehle Dimasa log ke liye ek screening hona chahiye. True. Before making any public release. Screenings and so हाँ ये पहले होना चाहिए था, लेकिन इतना सीक्रेटिव करके ये फेस्टिवल्स में जाके ले गया तो हम लोग को भी मालूम नहीं हुआ कि एक्चुअली स्टोरी क्या है और क्या दिखाया गया है. इसमें बहुत सारा हम लोग का लोकल आदमी भी रिस्पॉन्सिबल है, सो उसके बारे में भी हम थोड़ा बाद में बात करेगा. और एक उसका स्टेटमेंट्स ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं करेगा, 3-4 स्टेटमेंट्स और शायद हम लोग को देख लेगा, उसको हम लोग को एक बार काउंटर करेगा. अभी ये फिल्म जो आपने बनाई है, क्या आप जाके वहाँ दिखाएंगे, और दिखाएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा? हाँ, मैंने पहले फिल्म तो अभी मैं बहुत चाहती हूँ कि दिखाऊं. एक दिन मैंने क्या किया था, एक स्टिल फोटो खींचा था उनका, इमीडिएट जो फोटो निकाल सकते हैं वहां से फोटो खींच के एक लड़की को दिया. उसने ऐसे चिल्ला के फोटो को फाड़ के मतलब आग में डाल दिया. फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो आप यहाँ रह नहीं पाओगे. तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाऊं उसे कि आप लोगों को लेके मैं एक फिल्म बना रही हूँ ऐसा. लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं उनको दिखाऊं. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसका तो हम लोग को ना भी क्या काउंटर करेंगे. हाँ, मतलब आगे में दिखा दिया हम लोग. हाँ. कि वहां का बच्चा लोग, लड़का लोग फोटो खींचने में इतना खुश होता है, कैमरा लेके इतना खुद व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता है. सो दिस काइंड ऑफ फॉल्स स्टोरीज, फेक स्टोरीज, हम फिर बोल रहे हैं उसके साथ शायद एक दो आदमी बोला ना नहीं, वो हम मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा करके ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना, बोलना कि ये जस्टिफाई कर दिया कि डिमासा लोग को क्यों, शेमखोर का आदमी लोग को क्यों ये मूवी नहीं दिखाया बोल के. और बोलता भी है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बोल के भी प्रॉब्लम बोलता है. बट देट इज़ ए फेक एक्सक्यूज. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ में इतना दिन शूटिंग कैसे किया? जनरेटर लेके गया आप लोगों ने, शूटिंग करा, लाइट्स लगाया, बड़ा बड़ा लाइट्स लगाया, जनरेटर से करा, तो इतना दिन शूटिंग कर सकता है. तो मतलब आई डोंट नो कितना लंबा मूवी है, लेकिन 1.5 घंटा से ज़्यादा तो नहीं होगा. 1.5 घंटा का मूवी दिखाने में और कितना और प्रॉब्लम आप लोग फेस करेगा, जब आप लोगों ने इतना लंबा शूटिंग कर दिया, 4 साल आप लोग ने शूटिंग किया बोला है. तो अभी बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और प्लस फोटो देखने से भी ऐसा रिएक्शन होता है, तो इसलिए यू आर जस्टिफाइंग कि अभी तक शेमखोर का लोग को ये मूवी पहले क्यों नहीं दिखाया. तो आपको पहले शेमखोर का लोग को मूवी दिखाना था, वो लोग का अप्रूवल लेना था, एंड नॉट जस्ट शेमखोर, बिकॉज आप लोगों ने डिमासा कम्युनिटी को आप लोगों रिप्रेजेंट कर रहे थे थ्रू दिस मूवी. सो डिमासा लोग को भी एक बार दिखाना था, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग अ फिक्शनल, जैसे कि डिमासा बॉय गर्ल का रोमांस स्टोरी हुआ है, ऐसा नहीं दिखा रहा है ना. आप उसमें कल्चरल उन लोग का ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस दिखा रहा है, और आपने मूवी में ऐसा बोल दिया. अभी हम मूवी नहीं देखा, लेकिन आपने मूवी का क्लाइमैक्स, उसका एंडिंग आपने थोड़ा शेयर कर दिया कि जो कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर, वो मतलब अपना ग्रैंड चाइल्ड को बचाने के लिए वो शेमखोर से भाग जाता है, बाहर निकल जाता है, ये बोल के कि हमको अच्छा लाइफ चाहिए, हम यहाँ का आदमी लोग तो ऐसे ही है, ये लोग मेरा ग्रैंड चाइल्ड को भी मार देगा, इसलिए. सो दैट वे यू आर शोइंग कि कितना सेवेज है,
कितना वाइल्ड है, इतना जंगली है शमखोर का आदमी लोग, ये डिमासा आदमी लोग की, मतलब अपना ये ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं बचेगा, इसलिए मतलब आई हैव टू एस्केप टू अ बेटर प्लेस अमंग बेटर ह्यूमन बींग्स. सो दिस इज द स्टोरी दैट यू आर पोर्ट्रेइंग. ये आपका एक वाइल्ड फैंटेसी. आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड. हम थोड़ा इसमें थोड़ा ये हो रहा है क्योंकि होना चाहिए, मतलब हम थोड़ा गर्म हो रहा है क्योंकि हमको सबको होना चाहिए. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड ये मूवी क्यों अवार्ड्स मिला है, क्यों अवार्ड नहीं मिलेगा. ये जो डिमासा कल्चर एंड डिमासा सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस है, इट इज यूनिक. दिस इज एन एंडेंजर्ड कल्चर, ये हम लोग का इंडिजिनियस कम्युनिटी. दिस इज आवर ट्रेडिशनल नॉलेज. जो अगर आपने एथिक्स नहीं पढ़ा है तो पहले आपको एथिक्स आप लोग सीख लो. ट्रेडिशनल नॉलेज जस्ट कैनॉट बी टेकन एंड शेयर्ड बाई एनी वन. हाँ, जो लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटी का कोई मेंबर है, इफ ही और शी विशेस, देन दैट पर्सन कैन शेयर, लेकिन नॉट एनी टाइम, वो भी मतलब विथ कंसेंट. बट समवन हु इज नॉट फ्रॉम दैट कम्युनिटी एंड फ्रॉम ए मेन स्ट्रीम और मेजोरिटी कम्युनिटी कमिंग, और मतलब उसको कल्चरल अप्रोप्रिएशन करना और ट्रेडिशनल नॉलेज को ऐसे दिखाना वन साइडेड, क्योंकि कल्चरल ट्रेडिशन बहुत सारा है यू नो, तो उसको एक साइड एक पार्ट दिखाना एंड उसको गलत वे में दिखाना टू द होल वर्ल्ड, ये तो आपको फिल्म मेकिंग थोड़ा सीख लेना चाहिए था बिफोर प्रेजेंटिंग दिस टू द वर्ल्ड. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, यू आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी. यू शुड हैव, व्हेन यू वेंट टू कलेक्ट ऑल दिस अवार्ड्स, आपके बगल में कोई एक कम्युनिटी का आदमी क्यों नहीं था. वही तो, अगर आप इतना कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है कि आई नो आने वाला दिन में जो डिफेंड करेगा वो लोग बोलेगा कि अरे डिमासा कल्चर को प्रमोट किया है, शमखोर को हम लोग ने प्रमोट किया है. यू नो, आप कांस फेस्टिवल तक चला गया ये मूवी का नाम में डिमासा कम्युनिटी को लेके. ये मूवी अवार्ड मिला क्योंकि डिमासा जो कम्युनिटी का जो विजुअल है, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड इट विल टू वर्जिन आइस, दुनिया का आदमी का आंखी में ये देखे तो वाओ होगा ही होगा. और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखो ना, आदमी लोग ने बोला है क्या विजुअल था मैडम, वो देख के अच्छा लगा. ऑफ एपोकलिप्टो, जब हम लोग ने एपोकलिप्टो फर्स्ट टाइम देखा, आई वाज यू नो माय ब्रेन सेल्स डाइड व्हेन आई सॉ इट. और ये मूवी का ट्रेलर देख के तो लगता है कि जिसने भी ये स्टोरी और ये सोचा है ये मूवी बनाएगा, वो एक तो एपोकलिप्टो मूवी का ही एक्चुअली रेंडिशन बनाने मांगा है. सच में ये तो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, बट जिस जिसने मेल गिब्सन का एपोकलिप्टो मूवी देखा है, आप देखिए, हम फर्स्ट टाइम देखने में मालूम हुआ ये तो एपोकलिप्टो टाइप मूवी बनाने मांगा. तो वही ना, एक तो वाइल्ड फैंटेसी, वो तो एक तो ट्राइब में ही मिलेगा. एपोकलिप्टो मूवी मायान कल्चर को वो लोग दिखाया, ठीक है, लेकिन आप देखो इवन इन एपोकलिप्टो मूवी, इवन दो ये वाइड स्प्रेड एक्लेम मिला, बहुत हिट हुआ मूवी, लेकिन फिर भी उसका भी क्रिटिसिज्म आया. लेकिन वो क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग मालूम नहीं हुआ. क्यों मालूम नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग दुख था ये मूवी से, वो लोग मायान लोग था. क्योंकि मायान लोग ने बोला कि हम लोग को ठीक तरह से मायान लोग को तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन मूवी में अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं हुआ. कल्चरल अप्रोप्रिएशन जो हम लोग बोल रहे हैं, जो डिमासा लोग के साथ में हुआ थ्रू दिस मूवी, एपोकलिप्टो मूवी में भी हुआ. वो लोग बोला कि मायान लोग, मतलब मूवी में दिखाया ना, आप तुमको याद है ना वो गला काट के ह्यूमन सेक्रीफाइस, तो मायान लोग ने बोला कि ये हम लोग इतना प्रैक्टिस नहीं करता था, ये एस्टेक्स लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, लेकिन ये मूवी में एस्टेक्स मायान को थोड़ा मिक्स टाइप कर दिया है, ऐसे करके कर दिया है. तो शायद जैसे कि वो बच्चा डेथ होने से, मतलब माँ को गार देता है, बच्चा को गार देता है माँ का डेथ होने से, वो दूसरा में भी होता रहा होगा, तो ये मिक्सअप करके बना दिया जैसे ही हो गया है ना. तो एपोकलिप्टो मूवी का एक टू रिप ऑफ जैसे आप बनाने जाने में आपको अवार्ड तो मिल गया, बिकॉज ऑफ कोर्स डिमासा कम्युनिटी को अभी भी जो हम लोग विजुअल्स है, हम लोग जो कल्चर है, उसको अगर कैप्चर करके आज के दिन में डिमासा से बहुत सारा लोग करने से तो बड़ा बड़ा अवार्ड मिलेगा होगा ये स्टोरी को एक्सपोज करने से. बट ऑब्वियसली अभी भी हमें वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ ए बिग बजट टू मेक सच ए बिग बजट मूवी एंड देन उसको स्क्रीन करना, बिकॉज फेस्टिवल में लेके जाना में भी कनेक्शंस चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारा चीज़ चाहिए. मूवी स्क्रीन करने के लिए बहुत सारा कनेक्शंस चाहिए, पैसा चाहिए, इस चीज़ में लैकिंग है बोल के. लेकिन ये विजुअल्स को आप दिखा के ऑब्वियसली अवार्ड तो मिलेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कहाँ देखने को मिलता है दुनिया में ये सब चीज़. तो ये सब आपने तो दिखा दिया, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट इस चीज़ के लिए आप अवार्ड मिला, लेकिन आप जब अवार्ड कलेक्ट करने जाता है, आप जब स्क्रीनिंग करने जाता है, कोई भी एक एक्टर को आपके साथ में लेके नहीं गया जो लोकल एक्टर्स था,
कोई भी मतलब डिमासा कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आप कांस में भी लेके नहीं गया, और मूवी में तो आप बोला कि हम डिमासा कपड़ा पहन के सोया कितना दिन, हम कितना साल हम ऐसे ही बैठा, लेकिन जो डिमासा मूवी एंड कल्चर को लेके आप बाहर गया तब तो आप डिमासा कपड़ा कभी पहना नहीं। वहाँ में तो कांस फेस्टिवल जाने में तो आप मेखला चादर पहन के ही गया, आपका चॉइस है मेखला चादर, लेकिन अगर आप इतना सेंसिटिव था, इफ यू वर एक्चुअली एथिकली सेंसिटिव एंड अवेयर towards our community, तो आप किसी को तो डिमासा आदमी को तो साथ में लेके जाना था, और डिमासा कल्चर को भी अगर आपने तो वर्ड्स में तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन एक डिमासा आदमी को बैठाया नहीं अपना कल्चर के बारे में बोलने के लिए, which could have been easily done. ये हो सकता रहा, so exploitative. तो that is why cultural appropriation में ये भी है exploitation, खुद का बेनिफिट कर ले, खुद का बेनिफिट कर ले, किसी माइनॉरिटी कल्चर को एडॉप्ट करके उसको दिखाना, उसको यूज करना, खुद का बेनिफिट कर ले। इट्स वेरी इजी टू से कि आई एम डूइंग इट फॉर प्रमोशन, हम हेल्प करने के लिए कर रहा है अभी, बट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प आर वी एक्सपेक्टिंग अभी? पीपल विल गो टू शेमखोर और अभी सबको ऐसे नजरिया से देखेंगे जैसे कि ओ वाओ दिस प्रिमिटिव पीपल, लेट्स जस्ट टेक पिक्चर्स, स्टे अवे फ्रॉम देम। ओ ये लोग है वो शेमखोर मूवी का ना, जो ऐसे ऐसे हम लोगों ने मूवी में देखा था, ओ दिस आर द पीपल, मतलब एक जू में जाना जैसा, जू में जाके मतलब यू नो दिस एंडेंजर्ड, दिस ओल्ड स्पीसीज, दिस एंशियंट स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज को देखने के लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ टूरिज्म आर यू ट्राइंग टू प्रमोट विद दिस काइंड ऑफ मूवीज? This will not be a slow tourism. This will be like, you know, a tourist who will come out of curiosity to see the primitiveness of the people of Shemkhor. But do you think the people of Shemkhor are primitive? They are not. They all want for development. और एक थी, मैंने उसके बारे में भी पूछा तो उन लोगों ने बोला कि सरकार आके पोस्ट फिर वो गाड़ते हैं वहाँ पे, मतलब पोस्ट लगाते हैं, फिर जब भी वायर का कनेक्शन के लिए आते हैं रात को वो लोग कट कर देते हैं पूरा लंबा रोड, तो वो लोग को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ उन लोगों को, मैं बहुत बार कोशिश की कि वो बाहर आए, अभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके मैंने वीकली वन टूर होता है माइबंग बोलते हैं एक जगह, वहां से शेमखोर सिर्फ 23 किलोमीटर है डिस्टेंस, लेकिन टाइम लगता है 3 आवर्स बिकॉज सेमसा लोगों ने बीच बीच में रास्ते के बीच ड्रेन बना दिया काट के, ताकि जल्दी कोई पहुंच ना सके, मतलब सके वहां पे, और रास्ता तो वो लोग बनाने ही नहीं देता है। तो मैं अभी वो थोड़ा ठीक करके रिक्वेस्ट करके 3 बसेस नॉर्मली, बस नहीं है छोटा सा टेम्पो बोलते हैं वहां पे, वहां पे वीकली एक जाता है, लेकिन वहां पे कोई आदमी वहां से नहीं आता है। तो ये बोल रहा है कि अभी आईमी बोरवा ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके एक गाड़ी का कुछ अरेंज किया है वो रास्ता में चलने के लिए, क्योंकि शेमखोर जाने वाला रास्ता में माइबंग से शेमखोर ओनली 23 किलोमीटर है, लेकिन शेमखोर का आदमी वहां में जाके नाला मतलब गड्ढा कर देता है, सो देट मतलब पीपल के आदमी पहुंचने नहीं सकने के लिए। तो मतलब हम लोग वो हो गया ना, हम लोग जिंगल आला हो गया, मतलब कहां से ये सरासर झूठ। No, what is this romanticization कि हम लोग जंगली है अभी तक? ठीक है, डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, लाइट अभी तक नहीं पहुंचा, बट दे वांट लाइट, दे वांट इलेक्ट्रिसिटी, दे वांट गुड स्कूल्स। मैं शेमखोर का क्या बोल रहा है, शेमखोर का आदमी खुद मतलब अपना रास्ता को काट देता है बोला, क्योंकि गाड़ी नहीं पहुंचने के लिए। देयर इज व्हाट शी इज सेइंग, या एंड देन उससे पहले वो बोल रही है कि मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, आप झूठ नहीं बोलते होंगे, बट दीज आर टोटली unacceptable, deceitful, dishonest statements. ये मतलब we are totally hurt by your statements. I being a part of a Dimasa community, I am totally hurt. I am very, very much disappointed that how can the people, everyone stay silent. Why are you silent? Where are the student organization? कल अगर ये movie कल screening हो रहा है, student organization जाके धरना बैठो आप लोग। No, why Ruhi? Why just student organization? ठीक है, why not the people before from students, the community? Before students, why not हम लोग का apex body? JNHQ silent है, हम कांग्रेस, हम हैट्स ऑफ टू डिमासा मदर्स एसोसिएशन कि एटलीस्ट दे हैड द करेज, करेज किया, लेकिन करेज नहीं चाहिए, ये तो एक्चुअली बोलना चाहिए सबको। व्हाई इज जेनिस साइलेंट, व्हाई आर द अदर ऑर्गेनाइजेशन साइलेंट? लेकिन एक चीज हम खत्म करना चाहते हैं उसका क्लिप, उसके बाद लास्ट हम लोगों ने एंडिंग करेगा, अपना ओपिनियन देगा, जो ट्रेलर, जो ये मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर। Thank you.
Our people are not human, that's what she said. So we are barbaric, we are... फिर सुन लेता है, last line फिर से सुनो. Our people are not human. That's how the trailer ends. So we are villains, we are barbaric, or perhaps we are innocent victims. See, वो बोल सकता है ये फिक्शनल, ये डायलॉग है, मूवी में तो कुछ भी डायलॉग हो सकता है, ये स्टोरी है, उसमें कैरेक्टर गुस्सा से ऐसा बोलता है, यू नो आर पीपल आर नॉट ह्यूमन, बट ये हम समझ सकता रहा अगर इफ इट वाज जस्ट ए फिक्शनल मूवी और आप सब जगह में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बात नहीं करता रहा कि मोर लाइक ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म की मतलब बेस्ड ऑन रियल लाइफ एवरीथिंग. यू नो एक क्लिप एक्चुअली प्ले नहीं करा, उसमें वो बोलता है कि उसका बेटी नहीं तो ग्रैंडचाइल्ड बीमार हो जाता है, तो बीमार हो जाता है तो मडाई हुआ करता है, तो जो कैरेक्टर है आयमी बरुआ का कैरेक्टर, वो बोलता है कि नहीं उसको हॉस्पिटल ले जाने लगेगा, मडाई हुबा से ठीक नहीं हो रहा है. डिमासा लोग मडाई हुबा प्रैक्टिस करता है, हाँ मडाई हुबा इस भगवान को हमने पूजा करता है, नेचर को, और ये खाली डिमासा नहीं, ये लोग सब करता है. एसएमएस लोग जाके पूजा करता है मंदिर में जाके, हिंदू लोग जाके मंदिर में पूजा करता है, एसएमएस लोग जाके नामघर में पूजा करता है, क्रिश्चियन लोग जैसे चर्च में भी जाके पूजा करता है कभी कभी, जब इवन दो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने से भी, मस्जिद में करता है मुस्लिम लोग, तो डिमासा लोग भी करता है, मडाई हुबा करता है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो जो कैरेक्टर है उसका मतलब बच्चा नहीं तो ग्रैंडचाइल्ड मतलब हेल्थ एकदम खराब हो गया था, मरेगा ऐसे डर था, लेकिन मडाई हुबा कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, सो शी वांट्स टू ट्रीटमेंट बाहर कराने के लिए उसका, लेकिन गांव का लोग नहीं मानता है, बोला दैट शुड नॉट बी द केस. सो दैट इज द थिंग ना, तो वही एक ठो ऐसा नैरेटिव दिखा रहा है. और ये तो मूवी आप बोल सकते हैं नहीं ये तो खाली मूवी में दिखाया, लेकिन मूवी के साथ साथ आप स्टेटमेंट भी दे रहा है कि दे डोंट वांट मेडिकल फैसिलिटीज, दे डोंट वांट रोड, तो आदमी तो सोचेगा कि हाँ यही तो है, ये बोल भी रहा है और मूवी में भी दिखा रहा है. वेयर एज सच्चाई ये है कि मतलब दे वांट, दे आर ट्रेवलिंग सो फार टू कम टू द हॉस्पिटल, दे आर डिमांडिंग फॉर डॉक्टर्स. So we've already shown as reference the other videos on the news channels. Hills Live में देख लिया, हमने बराल न्यूज में देख लिया. So अभी और कितना और हम लोग सफाई देगा कि ये गलत है, ये गलत है. But ये आज का जो video है, this is wholly based, these are our opinions wholly based on the public statements, press releases that she had given in the recent past. क्योंकि movie हम लोगों ने नहीं देखा है अभी तक. Many people will say, आपने movie नहीं देखा, but you're already, you know, too opinionated. But look at the press releases that she has already made. और आज हम लोग ये बात भी करना है कि what next, क्या होना चाहिए. ठीक है, जो पहले में आज तक हम लोग ने कुछ steps ले नहीं पाया, लेकिन अभी कुछ steps नहीं लेके तो हम लोग बैठ नहीं सकेगा. So we'll have to think. We all, especially Dimasa community. We have to think what to do next. इसलिए हम आज तक ये इतना दिन से ये चल रहा है, लेकिन आज तक हम चुप बैठा, क्योंकि हम मालूम है, मी डेनियल लंगठासा एज एन एमएससी ऑफ हाफलोंग ये बात करेगा तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगा. बिकॉज मेनी आर सेइंग कि मतलब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मत करो, बट अभी हम एड्रेस करना चाहता है ये बात, बिकॉज एक्चुअली इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और बहुत लोग का दम नहीं है ये बात करने के लिए.
लेकिन हम तो बोलेगा, बिकॉज आज के दिन में ये डिमासा जात का इज्जत का सवाल हो गया है। इसलिए आज फर्स्ट हम डिस्कशन रूही के साथ किया, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक इट टोटली पॉलिटिकल। ये सबको कंसर्न करता है। रूही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल, आई एम ए पॉलिटिशियन। लेकिन ये सब हमको कंसर्न करता है, इसलिए हम लोग ने ये डिस्कस आप लोग के साथ एक साथ किया। लेकिन अभी हम फैक्ट्स में आता है, हाउ इसमें पॉलिटिक्स इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसलिए क्यों आज ये हम लोग को इतना बड़ा चीज होने के बाद में भी हम लोग चुप बैठने पड़ रहा है। बिकॉज दे आर स्कैड, पीपल आर स्कैड, दे आर से ही देविल से ही कि अगर हम लोग कुछ बोलेगा तो पॉलिटिकली ले लेगा, क्योंकि एनी बरुआ इज आवर मिनिस्टर्स पीयूष हजारिका'स वाइफ, तो वी माइट हैव टू फेस रिपरकशंस। वैसा नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ये जो कंसर्न्स है आपका कम्युनिटी का जेन्युइन कंसर्न्स है, वो आप दुनिया के सामने आपके कम्युनिटी के बारे में एक रॉन्ग मैसेज क्यों भेजना चाहेंगे? यू शुड एटलीस्ट रेज अ वॉइस। हाँ, अभी डिमासा कम्युनिटी के साथ में ये मूवी क्यों नहीं दिखाया, और अगर दिखाया तो जो देखा वो लोग पहले में इसको करेक्ट क्यों नहीं किया? व्हाई दे डिड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स? ये सब स्टेटमेंट्स पब्लिक में देने के पहले आप लोग ने करेक्ट नहीं क्यों नहीं किया? हम लोग का काउंसिल का सीईएम देवलाल गोरलोसा और उसका वाइफ खुद वो लोग प्रेजेंट थे इन द शूटिंग का प्रोसेस में। खुद वो लोग ने आईमी बरुआ और उसका टीम को होस्ट किया, माइबंग में वो लोग का घर में बैठा है, सबको मालूम है, ये सुनाई दिया है, हम सब मालूम है। कनिका हो जाए वाइफ ऑफ देवलाल गोरलोसा पहले पहले जो स्क्रीनिंग हुआ था शेमखोर मूवी का, उसमें प्रेजेंट भी था, वो गया भी था गोवा में, तो साथ में भी गया था, मतलब वो मूवी देखा है, उसका प्रेस रिलीज भी सुना है। हम लोग को तो बहुत बाद में सुनने को मिला। सीएम का खुद डिमा हासाव को सीएम का वाइफ प्रेजेंट था, देखा है, लेकिन कुछ नहीं, क्यों नहीं बोला? क्यों ये चीज तो उस टाइम में करेक्ट नहीं किया? अगर पहले करेक्ट नहीं करता रहा तो आज का ये दिन देखने को नहीं मिलता रहा। आज के दिन में हम लोग क्या करेगा? वी कैन से बॉयकॉट आईमी बरुआ, बॉयकॉट शेमखोर हम लोग बोल सकता है, लेकिन कौन आवाज उठाएगा जब हम लोग का खुद हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लीडर्स लोग, प्रोटेक्टर्स ऑफ द सिक्स शेड्यूल, वो लोग चुपचाप बैठा है आज के दिन में, और बिकॉज वो लोग डरता है इसलिए बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी चुपचाप बैठा है। दिस इज द फैक्ट, ये सच्चाई है आज के दिन में। तो एक दो लोग जिसने आवाज उठाया है, हम वो लोग को सैल्यूट करता है कि आप लोग तो एक्चुअली डर नहीं रहा है, आप लोग तो अपना जात को प्यार करता है, आप लोग अपना जात को बेच नहीं रहा है। लेकिन कोई कोई आदमी ने आज के दिन में अपना जात को बेच दिया है, अपना जात को बेच दिया है, डिमासा कम्युनिटी को बेच दिया है, और ये हम ओपनली बोलेगा क्योंकि हमको डर नहीं लगता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पीयूष हजारिका मिनिस्टर है बोल के हम डर के रह जाएगा, बिकॉज आईनी बरुआ के बारे में कुछ बोलेगा तो पीयूष हजारिका को साथ में दुश्मनी मोड़ लेने जैसा है, ये सबको मालूम है। तो इसलिए मतलब ऑब्वियसली चुपचाप तो बैठेगा ही सब। इनफैक्ट कल तो मूवी में जाएगा, देखेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ व्हाट ए मूवी। इनफैक्ट ये चीज तो बहुत पहले से करने का शुरू कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन तो एक साल पहले से आदमी लोग सोशल मीडिया में देने लग गया है, सब सीएम देने लग गया है, एमएलए देने लग गया है, ईएम लोग देने लग गया है, हम लोग को ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट्स लोग देने लग गया है, लेकिन आज तक हम कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला, बिकॉज हमको पहले से डाउट था कि अगर डिमासा कल्चर के बारे में बनाया है तो कैसे बनाया है और उसके बारे में क्या आप बोल रहा है। लेकिन आज के दिन में धीरे धीरे करके सब एक्सपोज हो गया है, और कल मूवी निकलेगा तो और पूरा दुनिया के सामने में तो और क्या आप लोग दिखाएगा। तो इसलिए हम अपील करता है कि कल का दिन 23 सितंबर को पीवीआर के बाहर में, एक्चुअली गुवाहाटी में जितना हम लोग का स्टूडेंट्स लोग है, जितना डिमासा लोग है, दे शुड होस्ट, दे शुड स्टेज ए प्रोटेस्ट, दे शुड स्टेज ए प्रोटेस्ट कि एमी बरुआ क्लेरिफाई करो, जितना उसका फॉल्स स्टेटमेंट्स दिया है वो पब्लिक में, उसको वापस लो, बोलो कि ये मेरा गलती हुआ है, हमको एक्चुअली मालूम नहीं था, मैंने ये सब ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दिया, ये सब कल्चरल अप्रोप्रिएशन किया क्योंकि आई वॉज नॉट वेल रिसर्च, हमको अच्छा से हम खुद ही एक्चुअली खुद से रिसर्च ठीक से नहीं किया, वो उसको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग को एक बार जब मूवी पूरा रिलीज हो गया, सब देख लिया, किस किस को हम लोग को क्लेरिफिकेशन हम देने सकेगा, एंड व्हाई विल समवन लुक फॉर क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द डिमासा कम्युनिटी? एस एंटरटेनमेंट पर्पस, वो तो मूवी देखेगा वाओ, और बाद में मालूम होगा कि ओ बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज, बेस्ड ऑन ए रियल प्लेस, बेस्ड ऑन ए रियल कम्युनिटी,
तो वो लोग तो एक एक आदमी को तो हम लोगों ने अभी ढूंढ ढूंढ के जो मूवी देखा हम लोग तो क्लेरिफिकेशन नहीं देगा ना, लेकिन ये तो स्प्रेड हो जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से, ये पास ऑन होते जाएगा। तो उसको मतलब हम लोगों ने प्रेशराइज देना है। डीएमए ने स्टेटमेंट दिया है, अच्छा काम किया है, लेकिन जो डीएमए ने जो स्टेटमेंट दिया है शायद वो आसाम में अच्छा अच्छी तरह से वो रीच आउट नहीं होगा। गुवाहाटी में भी, गुवाहाटी तक में भी अच्छा से रीच आउट नहीं होगा। लेकिन कल अगर पीवीआर के बाहर में अगर हम लोगों एक प्रोटेस्ट स्टेज करता है, कल अगर हम लोगों हाफलोंग में एक प्रोटेस्ट स्टेज करता है, हाफलोंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गुवाहाटी में, क्योंकि हॉल का बाहर में करेगा तो मीडिया अटेंशन आएगा। मीडिया अटेंशन जब गुवाहाटी का मीडिया चैनल उधर जाएगा तो आईमी बरुआ के ऊपर में फिर क्वेश्चन उठेगा, तब देन ओनली वी कैन प्रेशराइज हर। बिकॉज डीएमए ने स्टेटमेंट देने के बाद में, हम लोग लोकल न्यूज में निकलने के बाद में, आज भी एक लोकल न्यूज में बोला है कि आईमी बरुआ ने फोन करके क्लेरिफिकेशन दिया है हमको। हम सुना है डीएमए को भी फोन करा है और लोकल न्यूज चैनल का भी फोन करके बोला है कि मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। डिस्क्लेमर दिया है कि मतलब ये फिक्शनल स्टोरी है, दिस इज नॉट ए रियल स्टोरी। लेकिन उसका जो प्रेस स्टेटमेंट में तो वो कुछ अलग बोल रहा है। वो सब हमको जो कल्चर, हाँ स्टोरी फिक्शनल हो सकता है, बट जो होता है, जो डिमासा कल्चर और शेमखोर में जो होता है उसको मतलब लेके ही वो स्टोरी बनाया है। वो तो सब जगह में तो ऐसे ही बोला है। सो दैट इज वाई हम लोग को, ये मेरा सजेशन है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पीपल व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। अगर डेनियल लंगटा सा एज एन एमएससी हम कुछ भी बोलेगा तो ये पॉलिटिकल स्टंट करा बोलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज पॉलिटिकल। अगर आईमी बरुआ आज के दिन में अगर एक पॉलिटिकल फिगर का, एक मिनिस्टर का वाइफ नहीं होता, यानी पावरफुल मिनिस्टर का वाइफ नहीं होता रहा, तो आज अलग होता रहा, आज बहुत लोग प्रोटेस्ट में निकल जाता रहा। लेकिन बिकॉज पीयूष हजारिका का वाइफ है, एंड पीयूष हजारिका आज के दिन में डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग के लिए बहुत पावरफुल मिनिस्टर है, इसलिए आज ये सिचुएशन हुआ है। लेकिन शर्म का बात है हम लोग को, लीडर्स लोग को शर्म का बात है कि अपना पावर बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए आज के दिन में अपना जात को आप लोग बेच दिया है, अपना सिक्स शेड्यूल का पावर को बेच दिया है, अपना कम्युनिटी को दुनिया भर के सामने में ये स्टोरी बना के रख दिया है। अभी थाउजेंड्स ऑफ मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी आप लोग अगर उसको रिडीम कर सकेगा ना नहीं, डाउटफुल है। रिडीम तो आप लोगों को नहीं करेगा, रिडीम किसी और को करना पड़ेगा, रिडीम नया जेनरेशन को करना पड़ेगा। नया जेनरेशन ऑफ डिमा हासाओ अभी उठना पड़ेगा और चैलेंज करना पड़ेगा। ये जो हम लोग का ट्रीटमेंट हमेशा होते आया है फ्रॉम द मेनलैंड कम्युनिटीज, कि कैसे हम लोग को कल्चरल अप्रोप्रिएशन ऐसे कर देता है और एपोलॉजी भी नहीं देता है और गलती एक्सेप्ट भी नहीं करता है। तो दो चीज अभी कर सकता है, कल हम लोग ये प्रोटेस्ट कर सकता है, नहीं तो अगर आज के दिन में भी हम लोगों लीडर्स लोग को, हम लोगों काउंसिल का लीडर्स, हम लोगों ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स को अगर अपना जात को अभी भी माया है, थोड़ा बचा है, तो अभी भी समय है, अभी भी समय है, कल शाम तक आप लोग डिमांड करो कि पहले स्क्रीनिंग अभी डिले करो, स्क्रीनिंग अभी बंद करो, पहले हाफलोंग में, नहीं तो एनीवेयर इन डिमा हासाओ माइबंग में, नहीं तो शेमखोर में, यस शेमखोर में पहले आओ, जनरेटर लगाओ, ये मूवी दिखाओ, हम सब बैठेगा और मूवी हम लोग बोलेगा कि ये मूवी दिखाना चाहिए या नहीं। अगर मूवी हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेगा ओनली इन वन कंडीशन, कि मतलब आप बोलो जो जो स्टेटमेंट्स दिया है आईमी बरुआ ने, ये गलत स्टेटमेंट्स दिया है, मैंने डिमासा कल्चर को जो मेरे तरफ से मैंने रिप्रेजेंट करके जो जो बात बोला है ये सब ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स है, ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, ये आप एडमिट करो। अगर एडमिट नहीं करेगा तो हम लोग ये मूवी, ठीक है आप लोग तो अगर दिखाना चाहता है तो आप लोग के पास पावर है, आप लोग के पास पैसा है, आप लोग तो दिखा देगा। हम लोग वायलेंट होके तो हम लोग कुछ नहीं करेगा। आप लोग जैसे हम लोग को जंगली वायलेंट बोल के दिखाता है, हम लोग को जाके वैसा तो चीज तो नहीं करेगा, लेकिन जरूर भी हम लोग इसका जवाब देगा। तो इतना बोल के आज का ये वीडियो खत्म करता है, लेकिन आप लोग इसको शेयर करो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बात फैलाओ कि कल पीवीआर के बाहर गुवाहाटी में डिमासा जितना लोग है गुवाहाटी का, वो लोग जमा होगा और हम लोग प्रोटेस्ट करेगा और आईमी बरुआ से हम लोग एपोलॉजी मांगेगा और डिमा हासाओ का लीडर्स लोग के पास हम लोग एपोलॉजी मांगेगा कि आप लोग क्यों ये मूवी का ऐसा स्क्रिप्ट होने दिया और आप लोग ने क्यों आईमी बरुआ को अलाउ किया ये सब बात बोलने के लिए दुनिया भर के सामने में
about Dimasa community. Thank you. Thank you. Jutai. With this, we end this discussion. Good night. Thank you. Jutai.